चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या है, समूहवाचक संज्ञा, समूह में है ना। कलेक्टिव नाउन्स आर ग्रुप्स, ग्रुप मतलब समूह ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स। अब कलेक्टिव नाउन्स, अब ग्रुप तो किसी का भी हो सकता है, पीपल मतलब इंसानों का भी, व्यक्ति का, एनिमल जानवरों का भी हो सकता है या फिर चीजों का। जैसे कि इंसान, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है ना, जैसे कि असेंबली होती है ना प्रेयर, वहाँ पे बच्चों की भीड़ हो जाती है, तो वो कलेक्टिव कलेक्ट हो जाता है। खाली बच्चे क्या करते हैं, प्रेयर करने के लिए, तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन में चले गए। सिंपल है कलेक्टिव नाउन को समझने का, ग्रुप्स ऑफ प्लेस थिंग्स पर्सन आर कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, समूह में, समूह मतलब ग्रुप में है ना। अब हम देखते हैं जानवरों का एक ग्रुप होता है, तो वो काइंड हो गए कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा में चले गए। और चीजें बहुत सारी, चौक पड़ी इकट्ठी, सारी इकट्ठी चौके हैं इतनी सारी, तो वो काइंड हो गए कलेक्टिव नाउन में चली गई, समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, अ बंच ऑफ कीज, मतलब चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा होता है ना, उसमें बहुत सारी चाबियां होती है, सब एक कोई एक तरह की भी होती है या फिर अलग अलग तरह की चाबियां होती है, पर काइंड ऑफ गुच्छे में, बंच मतलब गुच्छा, तो कलेक्ट कर रखी ना, तो क्या हो गया वो कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, अब लाइब्रेरी में जाओगे आप, बहुत सारी आपको बुक्स मिलेगी, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बुक्स, तो वो क्या हो गई कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट कर रखी ना। अब बुक्स तो कोई सी भी है वहाँ पे, बहुत सारी, कोई हिंदी की, इंग्लिश की है, ग्रामर की है, या फिर मैथ्स की है, साइंस की है, सोशल साइंस की, एनवायरमेंट की, कई चीज हो सकती है, आर्ट्स की, कॉमर्स की, बायोलॉजी की, कोई सी हो सकती है, पर ग्रुप है ना, वो एक ग्रुप में इकट्ठी पड़ी है, तो वो क्या हो गई कलेक्शन ऑफ बुक्स, वो कायम चले गए कलेक्टिव नाउन में। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ये क्या है, गैंग है, एक गैंग है, तो इसकी रॉबर्स मतलब चोरों की, एक चोरों का गैंग है, तो वो चोर तो बहुत सारे हैं उसमें, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, पर वो एक गैंग है, मतलब एक ग्रुप में है वो, तो एक गैंग हो गई किसकी, चोरों की, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, तो वो कायम आ गए कलेक्टिव में आ गए। बोटल ऑफ मिल्क, अब बोटल है दूध की, पर वहां पे बहुत सारी बोटल रखी हुई है, तो क्या आ गए बोटल ऑफ मिल्क, मतलब बहुत सारे दूध की बहुत सारी बोटलें हैं, तो वो ग्रुप में आ जाएंगे ना। अब यहाँ पे जैसे आम है, चार आम है एक साथ है, तो ये क्या है, ग्रुप में है ना, तो कैसे बोलेंगे, मैंगो, अ ग्रुप ऑफ मैंगो, अ ग्रुप ऑफ पीपल, और ये क्या है, इसके अंदर पानी इकट्ठा है किसी बर्तन में, पानी इकट्ठा कराना मतलब इकट्ठा नहीं होता था ना, कलेक्ट करना, तो वो क्या हो गए कलेक्टिव नाउन में चले गए। हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, पेन का गुच्छा बना लो, तो वो पेन क्या हो गए कलेक्टिव नाउन में आ गए। और बच्चों का एक ग्रुप बनाओ, तो वो चिल्ड्रन टाइम में आ गए कलेक्टिव नाउन में आ गए, ठीक है। वैसे ही उसको हम अगर चार चाबी का गुच्छा है, उसमें से हमें एक चाबी निकाल दी, तो वो काइंड में चली गई प्रॉपर नाउन में, कैसे, क्योंकि वो की पर्टिकुलर हो गई। और कॉमन नाउन में कैसे चाहिए, वो उस चाबी की चार कॉपी और है अपने पास, मतलब उसी तरह की चार चाबियां और है, तो वो कॉमन हो गई, क्योंकि उन चार चाबी से भी सारे को खोला जा सकता है, उस वाली जो एक चाबी उससे भी खोला जा सकता है, तो काइंड में आ गई कॉमन में आ गई। अब कलेक्टिव में कैसे आएगी, उन सारी चाबी को एक साथ एक गुच्छे में बांध दो, तो क्या हो जाएगी, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आर ग्रुप्स ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स, कलेक्टिव नाउन किसी भी जगह, पर्सन या फिर चीजों का हो सकता है, इसमें स्टेट या फिर किसी शहर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि झाबा एक ही झाबा है, बहुत सारे झाबा नहीं है, दिल्ली एक ही दिल्ली है, बहुत सारी दिल्ली नहीं है, तो वो काइंड में आते हैं, वो नाउन में आते हैं, ठीक है, वो सिर्फ प्रॉपर नाउन में आते हैं, कॉमन नाउन में भी नहीं आएंगे वो। अब इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, थैंक यू।